मैं आपको बताना चाहूँगा, आप आज छोटी चौपड़ पे खड़े हैं। छोटी चौपड़ पे चांदपोल बाजार व्यापार मंडल द्वारा हर बार स्वागत द्वार बनाया जाता है। ये 22वीं बार बंगाल से आए हुए कारीगर, करीब 100 कारीगर डेढ़ महीने से इस चीज़ को मूर्त रूप दे रहे थे। आप यहाँ देखेंगे अभी समुद्र मंथन और देवता यहाँ विराजमान है और स्वचालित झांकी आपके सामने बनाई गई है स्वागत द्वार के ऊपर। साथ ही पूरे चांदपोल बाजार में 15 ऐसी झांकियाँ बनाई गई है जो देवी देवताओं की है। साथ ही इसके पीछे देखेंगे नंदी के ऊपर शिवजी मान विराजमान है। साथ ही एक और बड़ी झांकी देखना चाहेंगे कि हनुमान जी मंजीरा बजाते हुए लाइव, वो भी स्वचालित झांकी बनाई गई है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरा जयपुर आज सज करके तैयार है। यहाँ पर सामूहिक लक्ष्मी पूजन 22वीं बार की जा रही है, जिसमें जात न देखते न पात देखते सभी लोग, सभी जाति समाज के लोग एक साथ पूरे परिवार के साथ बैठ करके पूरे देश की खुशहाली, पूरे हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए कामना करते हैं। लक्ष्मी जी हमारे व्यापार में विराजमान रहे, यही कामना लेकर के आज यहाँ पर की गई है। इसमें सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी है, नेता लोग, हमारे सांसद महोदय भी है, हमारे बीच हमारे व्यापारी मंडलों के अध्यक्ष और व्यापारी गण भी यहाँ पर मौजूद है और पूरा जयपुर जगमग है। इस बार जो है 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक कुछ बाज़ारों में 13 तारीख तक रोशनी की जा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आया हुआ है और बहुत ही अच्छी परचेजिंग कर रही है। मैं सभी को बहुत बहुत पुनः पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य के नाते।